राजधानी की कोटपुतली में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने व्यापार संघ के साथ एक बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जहां शाहपुरा और विराटनगर में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, वहीं कोटपुतली प्रशासन आवश्यक सेवा की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें नहीं खुलने दे रहा है, इस पर चर्चा की गई। हालांकि इस दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अति आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी। लॉकडाउन 3 के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें प्राय लगभग सभी प्रकार के व्यवसायों को खोलने की अनुमति दी है। एक समयबद्ध तरीके से शाम के 7 बजे से पहले ये व्यवसाय खुल सकेंगे, लेकिन वास्तव में कोटपुतली के व्यापारियों ने आज अपनी बात मुझे भी रखी है। मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय को यह पत्र लिखा है तथा उन तक अपनी बात पहुँचाई है कि जब पावटा, शाहपुरा और विराटनगर के अंदर सभी व्यवसाय खुल सकते हैं तो कोटपुतली में क्यों नहीं। जब जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं उसमें रेड जोन के अंदर जो व्यवसाय खुल सकते हैं उन्हें खोलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। और व्यापारियों ने तो ये तक भी कहा कि हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करेंगे और एक छोटे से समय, लिमिटेड समय के अंदर खोलेंगे ताकि उनका भी रोजगार चल सके और जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी हो सके। व्यापार इसलिए बंद करा रहे हैं मार्केट कि पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राहकों को डंडे मारना और व्यापारी को परेशान करना बार बार, इसलिए वो कहते हैं कि भीड़ मत करो। हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ग्राहकों को समझाते हुए उनको मास्क लगाने की सब सुविधा कर रखी है, उसके बाद बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है, इसलिए हमने लॉकडाउन किया है। और घरों तक तलाशी ली जा रही है जबकि वो व्यापारी गुटखा मसाला बेचता भी नहीं। इस कारण हम ये अनिश्चितकाल लॉकडाउन करने का निश्चित किया है। लॉकडाउन में दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी किराना व्यापारी क्या समस्या है? समस्या ये आ गई कि व्यापारी हैं जो भयभीत हैं, यहाँ पे बगल मतलब की छापेमारी हो रही है, पुलिस प्रशासन है ना जो द्वारा परेशान किया जा रहा है। जिसके दुकान में कुछ नहीं उसके अंदर भी अंदर तक घुसे हैं, जिसके कोई पावर नहीं उनको परेशान करते हुए। व्यापारी को ये बताया गया है कि लॉकडाउन 3 में 4 तारीख से चालू हुआ है, उसमें वो ही गतिविधियाँ अनुमत हैं जो लॉकडाउन 2 में थी, और उसी एडवाइज की पालना करने के लिए। सर आज कुछ व्यापारी बंद करने की बात कर रहे थे 3 दिन के लिए, तो दुकानें खुल जाएंगी क्या है, उसमें सहमति बन गई? नहीं, वो इसमें कोई सहमति और गतिरोध का प्रश्न नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा से वो 3 दिन उसको लॉकडाउन की पालना करने के लिए ही किया है। इसमें कोई उनके ऊपर धोखा नहीं गया है और ना ही कोई जनता को परेशान करने के लिए किया गया है। सर उसमें बात ही आ रही कि पुलिस ने कार्रवाई की है या जो भी बात आई है उसके विरोध में बंद करने की बात आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई की है वो विधि सम्मत है, जहाँ शिकायत मिली है कई ऐसी जो गैर अनुमत गतिविधियाँ पाई गई हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जो सही है। फल सब्जी मंडी जो 8 तारीख से 14 तारीख तक बंद की गई है, इसकी आपूर्ति कैसे पब्लिक में करवाना है? हमने आज जो सब्जी मंडी के व्यापारी थे उनसे इस बारे में बात की है और उनको ये कहा है कि 5 दिन के बाद में इस चीज़ को रिव्यू करें और अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात आएगी तो बिल्कुल चालू।